हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 12 के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके अंदर आप जानेंगे एक्सपोनेंट्स और पावर से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके इंट्रोडक्शन से लेकर के जो भी रूल्स एक्सपोनेंट्स और पावर्स के अंदर होते हैं उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंट्स और पावर्स की। इसके बाद हम बात करेंगे पावर्स नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ किस तरीके से होती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में, कुछ लॉज के बारे में, जो कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड आपको वो चीज़ें पता होना चाहिए, पावर से रिलेटेड वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो छोटे नंबर्स होते हैं उनका किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके, उसके बारे में बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो आप कह सकते हो यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स फ्रॉम एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट के बड़े लेक्चर्स में आप जानेंगे कंपेयर करना लार्ज नंबर स्मॉल नंबर्स का। और यहाँ पे हम कंपेयर करके ये जान सकते हैं नंबर कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला डाउट होता है बच्चों को एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई चीज़ लिखी हुई है कि 10^9 लिखी हुई है, राइट। तो ये जो 9 है ना इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, इसको पावर समझ लेते हैं। ये आपका एक्सपोनेंट होता है, राइट, 9। और ये जो 10 होता है ना ये बेस होता है। और जब हम पूरी चीज को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 10^9, 10^9 बोलते हैं। यानी कि बिना बेस के और बिना एक्सपोनेंट के पावर वर्ड का हम यूज ही नहीं कर सकते। सो 10^9 कहते हैं जब हम ऐसे रीड करते हैं। और हिंदी में 10^9, राइट। तो ये घात होता है, घातांक ही होता है इसका, घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। और ये घात 10^9 ऐसे हम पढ़ते हैं पावर को। और बेस ये होता है हमारा। ये कुछ और चीजें हैं जैसे पावर टू डी पावर भी होता है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए पावर टू पावर क्या होता है, जैसे एक पावर पहले ही लगी हुई है और इसके ऊपर एक और पावर हमने लगा दी, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा दिया, यानी कि 4^2 लिखा हुआ है। तो 4^2 to the power 5 लिखा हुआ, यानी 4^2 को 5 बार किया हुआ है, इसका ये मतलब होता है। यानी x^a जैसे हम पढ़ते हैं 10^a पढ़ते हैं 10^9, राइट। तो x^a to the whole power b, तो ये हो जाता है x^a × b। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम उस रूल्स में, उस कंडीशन में। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 × 2 = 10, यानी कि 4^10 करोगे, या फिर आप इसको बार बार करो तो भी वही बात होगी यार। 4^2 लिखा हुआ, इसको 4×4 लिखो। यहाँ भी अगर 4×4 लिखें, यहाँ भी फिर हम 4×4 लिखें इसका। फिर यहाँ पे ये देखिए 1, 2, 3 हमने कवर किया, फिर ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। तो इन सारे अगर 4 को काउंट करोगे तो टोटल 10 times ही है, राइट। तो ये तो हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात की, कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं एक्सपोनेंट्स और पावर्स रिलेटेड। देखिए अगर हम माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं ना उनको अगर आपको बताना हो तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको दिख जाए 5^-2, 5^-2 अगर आपको दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब होता है 1/5^2 अपॉन में लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/5, 5 = 25। अब 2^8 लिखा हुआ है, 2^5 लिखा हुआ है, तो अब अगर ये मल्टीप्लीकेशन में नंबर दिया हुआ है तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो -8 और +5, इसका मतलब क्या हुआ, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2^ कितनी आ जाएगी, 2^-3 आएगी। 2^-3 का मतलब 1/2^3, 2^ क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 × 2 × 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 आंसर आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें नेगेटिव जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमें समझ में आएंगे कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि अगर a^-n लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/a^n, यही तो मैं लिख रहा था कि अगर 5^-2 है इसका मतलब क्या हुआ 1/5^2। तो जो n - n है वो n का रेसिप्रोकल है, ऐसे ही -2 लिखा हुआ है तो 1/3/2, 2/6^6 लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए अब ये हमारा फ्रैक्शन में लिखा हुआ 2/5^-6, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5/2, इस नंबर को चेंज कर देंगे और ये 6 प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो पावर वाले नंबर्स रहते हैं उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको आने चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है तो क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे।
कुछ लॉज के बारे में बात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, जैसे यहां पे कुछ नियम दिए हुए हैं, उन नियम को आप इजीली समझ पाओगे। अब जैसे लिखा हुआ है यहां पे, ये आपको पता होना चाहिए कि ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, यानी कि जैसे टू टू दी पावर फाइव इंटू टू टू दी पावर थ्री, इसका मतलब क्या हुआ, टू टू दी पावर एम प्लस एन, राइट। तो ये फाइव प्लस थ्री, इसका मतलब क्या हो गया, 2 टू दी पावर 8, ये लॉ हो गया, ये रूल होते हैं एक्सपोनेंट्स के। इसी तरीके से लिखा हुआ है, जैसे 2 टू दी पावर 5 लिखा हुआ है अपॉन 2 टू दी पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड में है, यानी कि 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, माइनस करते हैं, यानी 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, इसका मतलब 2 टू दी पावर 2, इसका मतलब 4 आंसर आएगा इसका। तो ये रूल हो गया। अगर हमारा मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, जैसे होल पावर लिखा हुआ है n और इसकी पावर m लिखा हुआ है, तो a टू दी पावर n इंटू m होता है। जैसे 2 टू दी पावर 3 लिखा हुआ है, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 टू जा 6, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ एक्सपोनेंट से बहुत ही बेसिक से रूल है जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंपेयर करना लार्ज नंबर्स का स्मॉल नंबर्स के साथ किस तरीके से करना होता है। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमें कंपेयर करना होगा किसी चीज का, जैसे मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमें लिखना होगा तो 5976 इंटू 10 टू दी पावर 4, क्योंकि 4 जीरो है। अब यहाँ पे 10 टू दी पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे जीरो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 5.9 इंटू 10 टू दी पावर 7। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 5.9 इंटू 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा 5.976। इसी तरीके से इस नंबर को कंपेयर करें तो हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि ये वाला नंबर बड़ा है हमारा। क्यों, 10 टू दी पावर 8 बड़ा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे 10 टू दी पावर 7 ही है और यहाँ पे 5.28 है, यहाँ पे 5.9 है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर बड़ा है, राइट। तो इस तरीके से हम चीजों को इजिली समझ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी दिया हुआ है, तो हमें कंपेयर करना होता है कि कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर से कंपेयर करके देख सकते हैं, इनके जो पावर्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जैसे 10 टू दी पावर 6 लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6 जीरोज हैं। अब यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएंगे हम तो 2 जीरो और 10 टू दी पावर 2 और करना पड़ेगा, यानी कि 2 और 6 को अगर एक साथ कर देंगे तो ये 8 हो जाएंगे, तो 10 टू दी पावर 8 हो गया, यानी कि ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा। और आई होप कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, हमारी टीम जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।